अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 6.11। देखो क्वेश्चन नंबर 25 मेरे पास लिखा हुआ है। अब आप हैरान होंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक को हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। कुछ क्वेश्चंस पहले होंगे, कुछ क्वेश्चंस बाद में होंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, वैल्यूज मेरे पास क्या है, वाई ऑफ टू इक्वल्स वन। काम बिल्कुल सेम एज इट इज वही वाला करना है क्या, कि आपके पास देखो डी एक्स उसके साथ जाएगा जहां पे सारी एक्स की टर्म्स होंगी, और डी वाई वहां पे जाएगा जहां पे सारी वाई की टर्म्स होंगी। लेकिन यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, यहां पर मुझे एक चीज जो नजर आ रही है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहने देते हैं और टू वाई यहाँ पे एज इट इज रहने। ठीक है, यहां पर क्या जाके हो जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको प्लस टू दिख रहा है ऐसा ही है, और ऐड होता हुआ देख रहा है टू वाई के साथ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये प्लस टू है वहां जाके राइट हैंड साइड पे जाके -2 हो सकता है, ये सुनो कोई मसला। टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, अब हो क्या जाएगा 3x² -1। ठीक है, बस अब क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल पीछे वाले पैटर्न जितना जिससे हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर जिस तरह जिस पैटर्न पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सेम एज इट इज इस पैटर्न पर अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास डी वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, टू वाई ये यही रहेगा, और आपके पास 3x² -1 इसके पास क्या चले जाएगा, डी एक्स चले जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, आपका टू कांस्टेंट टर्म है, आपकी ये बाहर चली जाएगी और इंटीग्रेशन अप्लाई जाएगी वाई के ऊपर। यहां पर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, यस और नो? ये आ गया आपके पास, सिंपल सा काम आपने क्या करना है, यहाँ पर वाई के ऊपर इंटीग्रेशन वाई की रिस्पेक्ट से लग रही है। अब वाई का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, क्यों मैं कह रहा हूँ डेरिवेटिव देखना जरूरी है, क्योंकि वाई की पावर क्या नजर आ रही है, वन, ऐसा ही है, वाई की पावर वन नजर आ रही है। अब मुझे यहाँ पर पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता। अब वाई की पावर वन है और वाई का बाहर डेरिवेटिव यानी बेस का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है, वाई के ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वाई की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से ही आ रहा होगा, वाई की रिस्पेक्ट से ही निकाल ले होगे, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा जो कि मौजूद है, तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, वाई की पावर जो मौजूद है उसमें प्लस वन एड कर दो पर भी, और सेम यही टर्म नीचे भी देख दो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 बाहर गया, x² dx, और यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो आपकी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, जो आपको डिफरेंशियल वेरिएबल दिया हुआ है वो आप क्या कर देते हो, जस्ट राइट डाउन कर देते हो। ठीक है, अभी मैं प्लस सी नहीं लगाऊंगा, वजह कि मेरे पास ये वाली टर्म सॉल्व नहीं हुई है। यहां पर क्या हो जाएगा, 2y² अपॉन 2, ऐसा ही है, 3। अब इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, अब मैं लिख सकता हूँ प्लस सी। अब आपको कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल कैंसिल आउट होती दिख रही हैं, 2 से 2, 3 से 3, मेरे पास क्या टर्म बच रही है, y² इक्वल्स x माइनस x प्लस c, और ये क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। अब मुझे आपके सामने ऊपर वैल्यूज दी हुई थी, वो वैल्यूज मैं यहाँ पे नोट डाउन कर राइट डाउन कर देता हूँ। पुट, देखो मुझे क्या दिया हुआ था ऊपर, y(2) = 1, ऐसे ही दिया हुआ था, तो मेरे पास क्या होता है, ये मैंने पीछे लेक्चर के अंदर भी बताया था, y(x) = 1, यानी x की वैल्यू डालते रहो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, और एक्स ही क्या है आपके पास, 2 है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन ए के अंदर सिंपली पुट करवा दो। इक्वेशन ए आपके पास क्या थी, इक्वेशन ए आपके पास लिखी हुई है
वाई की जगह वन आ गया इसका स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स की जगह टू आ गया इसका क्यूब, माइनस एक्स की जगह फिर एक्स टू आ गया, और ये आपके पास प्लस की कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है डिवाइड। अब वन का स्क्वायर वन हो गया, ये एट हो गया, ये टू हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा काम आपने क्या करना है, वन आपके पास सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आपके पास आ रही -5, सही है, सी की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। इस सी की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दो, अगेन सारी वर्डिंग आप देख लेना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब -x -5, ये आपके पास आपका आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर है, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये मेरे पास बुक का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस की जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा, ये मैं अपनी पैटर्न से सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके पास क्या दिया हुआ है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हो गया, और आपको क्या दिया हुआ है, ओमेगा जेड -2 डब्ल्यू जेड -2 डब्ल्यू -3 जेड +6, क्लियर हो रहा है, यस और नो। और यहाँ पर आपके पास कहा हुआ है डब्ल्यू की वैल्यू और जेड की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, जेड की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, ये बात क्लियर हो रही है। तो मैं ये डब्ल्यू जेड है ठीक है, और -2 W है, ये -3 Z है ठीक है। सिंपल सा काम आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर W आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, यस और नो, क्या बचेगा Z माइनस, बेटा ये 2 है इससे घबरा मत जाना, Z -2 -3, इन दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से W आया, इसमें से -3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा जेड -2 बचेगा, यस और नो, जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपके पास सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, यस यहां पर क्या हो रहा है, डब्ल्यू -3 एक ब्रैकेट हो गया और जेड -2 एक ब्रैकेट हो गया, बेटा ये फैक्टराइज हो गया ना, हाँ या ना, फैक्टर्स बन गए इसके, तो सिंपल मेरे पास W -3 बचेगा, Z -2 बचेगा। अब मुझे पता है मैं ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर हो रही हो ठीक है, बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला साइन ना आ रहा हो, तो हम इन इस स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर सेपरेट लिख सकते हैं, क्लियर हो रही है, ये डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। अब आप W वाला किसके पास ले आओ, W के पास, और मैं डायरेक्ट एक काम कर रहा हूँ, W -3 इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 कर दिया, मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल मैंने क्या कर दिया, मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर भी ठीक है, W -3 पावर क्या हो जाएगी, -½ डी डब्ल्यू, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो आपके पास बेस क्या है, Z -2, बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यस और नो, यस मौजूद है, -2 का 0 हो गया और Z का डेरिवेटिव 1 होता है, मौजूद है आपके पास, तो क्या कर दो पावर में इजाफे वाला, ठीक है,
वन अपॉइंट टू प्लस वन और अपॉइंट टू प्लस वन। अब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, डेरिवेटिव भी किसी रिस्पेक्ट से देखोगे, डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से। ये थ्री है, थ्री का, थ्री इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसका तो जीरो हो गया, डेरिवेटिव डब्ल्यू का वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन, माइनस वन अपॉइंट टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड माइनस टू, वन अपॉइंट टू प्लस वन क्या होता है, थ्री अपॉइंट टू, यहाँ पर भी थ्री अपॉइंट टू प्लस का सी हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस थ्री, जब भी नेगेटिव हाफ प्लस वन के अंदर एड होता है आपके पास हाफ आ जाता है। ठीक है, ये आ गया, और थ्री अपॉइंट टू था, ये क्या हो जाएगा, टू अपॉइंट थ्री, जेड माइनस टू, थ्री अपॉइंट टू प्लस का सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास टू ऊपर आ जाएगा, और डब्ल्यू माइनस थ्री को वन अपॉइंट टू कह रहे हैं, इट मीन्स मैं स्क्वायर रूट भी इसको देख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री जेड माइनस टू थ्री अपॉन प्लस का सी। क्या आपके पास इक्वेशन ए आ गई। अब मुझे वैल्यूज गिवन थी आपके पास, ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यूज गिवन थी, वो वैल्यूज क्या है, पुटिंग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 12 गिवन था और जेड आपके पास 6 था। ये आप इक्वेशन ए में पुट कर दो। इक्वेशन है आपके पास क्या है, टू ट्वेल्व माइनस थ्री टू अपॉन थ्री, जेड क्या है, सिक्स माइनस टू हो गया थ्री अपॉन। ये बात क्लियर हो रही है, यस और नो? ठीक है, अब सिंपल सा काम मैंने क्या करना है, ट्वेल्व पर ट्वेल्व एज इट इज, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, नौ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू अपॉन थ्री, सिक्स माइनस टू फोर होता है, यस और नो, प्लस का सी। अब मुझे यहां पर सिंपली सिंपली दिख रहा है, रूट स्क्वायर रूट नाइन का क्या होता है, थ्री आ जाता है, टू अपॉन थ्री एज इट इज आ गया। अब इस फोर को मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोर को बेटा मेरे पास लिखने का एक और तरीका है, टू की पावर अगर स्क्वायर बना दो, इट मीन क्या हो जाता है, आपके पास फोर बन जाएगा। देखो अब पावर पावर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू से टू कैंसिल आउट, यहाँ सिक्स आ गया, टू अपॉन थ्री, टू की पावर अब क्या हो गई, टू की पावर क्यूब हो गई, यस और नो? और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी ऊपर वाली, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन थ्री सिक्स एज इट इज, सिक्स की जगह मैं क्या ले गया, सिक्सटीन अपॉन थ्री को, ये सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। सी की वैल्यू सिंपली आपके पास क्या आएगी, टू अपॉन थ्री, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस सी की वैल्यू के इक्वेशन ए में पुट कर दो। इक्वेशन ए क्या है आपके पास, टू डब्ल्यू माइनस थ्री, ठीक है, टू अपॉन थ्री जेड माइनस टू, और क्या है, थ्री अपॉन टू, और यहां पर क्या आ गई, सी की वैल्यू टू अपॉन थ्री, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू
4 प्लस 2y² प्लस का 1, और यहाँ पर क्या वैल्यू दी है, y ऑफ -3 = 1, यानी x की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो कि 1 है, dy के पास जब जाकर ये वाली पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी। आपका y माइनस y ऊपर रखा और क्या टर्म नीचे आ रही है, y4 प्लस 2y² प्लस 1 और dy आपका साइड पे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर x जब जाएगा dx x के पास आ जाएगा सिंपली। अब मुझे एक बात बताइए, एक काम मैं पहले कर रहा हूँ वो काम क्या है ये मुझे बताओ, क्या मुझे किसके अंदर मुझे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। देखो पहले इसको जरा हम स्टडी करते हैं सेपरेटली, y4 प्लस 2y² प्लस का ये किसमें बंद हो सकता है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, या फिर पहले इसको देखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² यही बन जाएगा दोबारा, ऐसा ही है यस और नो, यही बन जाएगा। इट मीन्स मेरे पास ये किसमें बंद हो सकता है, ये मेरे पास सिंपली बंद हो जाएगा y² प्लस 1k होल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है यस और नो, मैं यहां पर यही काम करने जा रहा हूं। क्या हो जाएगा, y² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ गया और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यहां पर भी। अब यहां पर मुझे पावर दिख रही है 2 है, मैं ले गया इसको ऊपर dy हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा x² / 2, यहां पर x² / 2 हो गया, ये आपको नजर आ रहा है y² + 1 है। अब बेस का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, y मौजूद है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, y² + 1 -2 ये 2y हो गया। हाँ अभी भी मैं सी नहीं लगा सकता, वजह यह है कि मेरे पास इंटीग्रेशन क्वेश्चन से रिमूव नहीं हुई है। यहां पर अब क्या हो जाएगा, y² + 1 -2 + 1, अब तो इसके पर पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता है, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर -1 x² / 2 + c हो जाएगा। अब सिंपली एक मैं काम ये कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, 2 के पास जाके क्या हो जाएगा y² + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, x² / 2 + c, नेम एट इक्वेशन ए, इक्वेशन ए आ गई। अब मुझे वैल्यूज क्या दी हुई थी, वाई की मुझे -1 दी हुई है और एक्स की मुझे -3 दी हुई है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन ए में पुट कर दें, -1/2 वाई की जगह 1 + 1 ये आ गया, एक्स की जगह -3 इसका होल स्क्वायर प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा प्लस का सी, एज इट इज आ गया। अब सिंपल काम क्या करना है, -1/4 -9/2 = c, अब सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर एलसीएम सेम नहीं है, एलसीएम सेम बनाओ गया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 के 9 के नीचे 2 है 4 नहीं है, तो 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, सिंपली आप 19/4 इस तरह आंसर ले आओगे, ये सी की वैल्यू आ गई।
इस सी की वैल्यू को आप इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दो सिंपली। इक्वेशन ए क्या कह रही थी, -1/2 वाई स्क्वायर प्लस वन इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, -19/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ -19/4 आ जाएगा, बात क्लियर हो गई। ये सिंपली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बेटा मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस वाई, ये डिवाइड किससे हो रहा है, साइन वाई से, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वाई ऑफ थ्री बाय बाय फोर। सिंपली आपको नजर आ रहा है ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म आपके पास कहाँ चलेगी, क्योंकि इन सब में वाई आ रहा है, और ये सारी आपके पास कहाँ चलेगी, वाई के पास, डी वाई के पास। साइन वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिप्लाई, और क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos y 1/2 ये हो गया, और ये सिंपली डी एक्स हो गया। और यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पावर चूंकि पॉजिटिव हाफ थी इसलिए मैंने ऊपर ले गया इसको, नेगेटिव हाफ बन गई। और यहाँ पर क्या है, ये हो गया, तो यहाँ पर सिंपल जाएगा, ठीक है। अब ये मत समझना यहाँ पर क्या होने वाला है राइट हैंड साइड पे, बेटा राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, तो आपको पता है क्या चीज है, वन है, और वन क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आंसर इसका जीरो, जीरो नहीं हो सकता। आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है एक्स आ जाएगा। और यहां पर देखो असल चीज ये है, यहां पर बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, देखो हाँ या ना, डेरिवेटिव बेस का नॉट इंटीग्रेशन, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस वाई का डेरिवेटिव साइन, लेकिन माइनस साइन होता है, बात समझ आ रही है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव का लिखा हुआ है, मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराता हूँ माइनस साइन से, देखो ये होने जा रहा है ना, यहां पर तो आप एक्स लिख दोगे सिंपली, ठीक है। इस वाले माइनस साइन को डिवाइड वाले को मैं ऊपर भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मसला थोड़ी है, 1 प्लस cos y -1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -sin y dy, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos y -1/2 में प्लस में एड करो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ आ जाएगा इक्वल्स टू x+c, यहाँ पर 2 ऊपर चला गया, -2 हो गया, और ऊपर वाली टर्म क्या हो सकती है, -2 1 प्लस cos y x+c, नेम इट इक्वेशन ए, ठीक है। अब मुझे नजर आ रहा है, मुझे y की वैल्यू दी हुई थी और x की भी दी हुई थी, y इक्वल्स फाइव बाय टू, और x को क्या पुट करो, थ्री, इन इक्वेशन सही है। आपके पास यहां क्या हो जाएगा, अब आपको पता है y की जगह फाइव बाय टू, और फाइव बाय टू देखो मुझे पता है cos 90 होता है, पाई बाय टू क्या होता है, 90 होता है, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे सिंपली आपको क्या दे देगा, आपको डिग्री दे देगा। सिंपली कैसे करते हैं आपको पता है, ये रेडियंस है, इसको आप क्या कर दो 180 बाय
पाई से कर दो तो जो आंसर मिलेगा इन दोनों का वो किसमें मिलेगा? डिग्रीज की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 3 आ गया, प्लस का सी आ गया। अब भाई सिंपल मेरे पास क्या है, -2 आ गया, cos 90 आपको पता है 0 होता है, 3 प्लस सी हो गया -2, और ये जब 1 हो जाएगा, -2 इधर आके -3 इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सी की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, इस सी की वैल्यू को आप इक्वेशन ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए आपके पास क्या थी, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस वाई प्लस 2x -5। ये सिंपली मेरे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है मुझे बेटा, इस क्वेश्चन को देख लो और उसके बाद इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब सेम पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस 1, 2s+3 डिवाइड में क्या है आर। ठीक है, यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू क्या दी हुई है, एस सारा दिया हुआ है, आर ऑफ 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। ये भी सेम एज इट इज इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा है। आपके पास आर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जाके सिंपली, और आर स्क्वायर प्लस 1 आपके पास क्या हो गया, 1/2 हो गया, डी आर हो गया, इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s+3 1/2 ds। ठीक है जी, अब आपको नजर आ रहा है कि आर स्क्वायर ऊपर, ये आर स्क्वायर प्लस 1 पूरी टर्म ऊपर गई, -1/2 हो गया, ये आर हो गया, डी आर हो गया। ठीक है, इसको मैं अभी सेम एज इट इज ऐसे ही रख रहा हूँ, सही है जी, और ds आ गया। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर प्लस 1 है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, r मौजूद है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2s+3 है, इसका बेस का बार डेरिवेटिव देखो, 2s का डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 2 × 2 ऑन बोथ साइड 1/2 आर स्क्वायर प्लस 1 डी आर। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 हो गया, 2s+3 आपका हाफ आपके पास 2 आ गया डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आप पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। आर स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, -1/2 है, प्लस 1 इसके अंदर करोगे तो -+1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हाफ पहले से ही है, +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर भी 3/2। अब क्या कर दो, प्लस ही है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 हाफ हो गया, ये फिर 3/2 है, 2/2 ये हो जाएगा, 2s+3। ठीक है जी, यहां पर आपको 2 से 2 कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, मेरे पास क्या बचा, सिंपल सी टर्म बची, आर स्क्वायर प्लस 1 1/3 2s+3। क्वेश्चन ठीक है ना, मेरे पास अब इस क्वेश्चन के अंदर आर और एस की वैल्यू क्या गिवन थी जिस मैंने वो पुट करनी है। देखो पुट आर की क्या थी, एस की क्या थी,
आपको आर की वैल्यू मौजूद थी √3, ठीक है, और एस की क्या है, 1 है। समझ आ रही है? एस की आपके पास, आई एम सो सॉरी, एस की आपके पास क्या है, 11 है। ऊपर मैंने क्वेश्चन में 1 लिख दी। सिंपल सा आपने काम क्या करना है, अब इसको आपने क्वेश्चन ए में पुट करना है। आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, देखो आपको नजर आ रहा है आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3। और यहां पर वैसे ही बाहर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यू के ऊपर रूट स्क्वायर रूट आ सकता है। यहां पर क्या आ जाएगा आर की जगह, √3, और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। ये हो गया 1/3 हो गया। 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 × s प्लस का 3, 3/2 6। अब यहां पर आपको तो नजर आ रहा है ये, इससे ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इस पावर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अंदर टर्म क्या बची, 3 + 1, और ये क्या हो गया, 11 × 22 + 3 = 25, 3/2 6। आपको यहां पर नजर आ रहा है ये हो गया 4, ये क्या हो गया, 1/3, ये हो गया आपके पास 5 स्क्वायर, 25 को मैंने इस तरह लिख लिया। अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2 निकलता है, 1/3 एज इट इज, और आपके पास 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 × 25 = 125, ठीक है। इस 125/3 को मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास ये चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सी की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी −119/3। बात क्लियर हो रही है, सी की वैल्यू क्या आएगी, −119/3। इक्वेशन ए के अंदर आप पुट कर दो, इक्वेशन ए आपके पास लिखी हुई है, √r² + 1 इक्वल्स, √2s + 3 सही है, 3/(2 − 119/3, और मेरे पास यहां पर भी क्या था, अपॉन में 3 ही मौजूद। क्लियर हो रही है बात, यस और नो? नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x² है, dy/dx है, और x4 y² + y², ठीक है, और कोई वैल्यू अक्षर y की आपके पास मौजूद नहीं है, और मजीद सिंपल काम कर दिया, इक्वेशन ए तक अपन ने सॉल्व करना है। लेकिन अब इक्वेशन ए नाम नहीं दोगे, वजह क्या है, हमारे पास कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। सिंपली आपने क्या कर दिया, यहाँ पर x² एज इट इज रहने दिया, dy/dx। राइट हैंड साइड पे आप खुद अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट हैंड साइड से आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, y², अंदर क्या बचा, x4+1 बचा, ठीक है। इस x4+1 को एज इट इज अपनी जगह रखो, x² को वहां पे जाके डिवाइड करा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस वन, नीचे क्या है, सही है, ये बात क्लियर हो रही है, यस और नो? अब आपके पास यहाँ पर करना है क्या है, सिंपली काम करना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ऊपर चला गया वाई माइनस हो गया। अब देखो इस केस में आप क्या करोगे, एक्स फोर प्लस वन अपनी जगह रखो, एक्स की पावर टू है ना नीचे, ऊपर ले आओगे तो माइनस टू हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। यहाँ पर तो खैर आप फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स माइनस टू है, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, बेस सेम पावर से ऐड वाला सीन हो जाएगा, प्लस फोर माइनस टू है, और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस टू रहेगा, ये डीएक्स यहाँ पर एज इट इज आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ तो पॉजिटिव टू हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव टू हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, यस और नो? आपने सिंपली एक काम करना है, यहाँ पर माइनस वन अपॉन वाई अपनी जगह, अब आप एडिशन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया प्लस ये हो गया, ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई एज इट इज रखा, एक्स क्यूब वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन आना है, इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखा दूँ, माइनस वन अपॉन वाई एज इट इज, वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक्स माइनस का है, नीचे जाके पॉजिटिव का हो गया, ये सिंपली आपके पास आंसर आ गया। अब इस लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो सिंपली आपके पास क्या है, डीएस अपॉन डीटी आ गया, एस प्लस वन इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ, ठीक है, और थ्री टी प्लस वन इसका आपने स्क्वायर रूट लिया हुआ। अब आपको एस की वैल्यू क्या दी हुई है, एस की वैल्यू थ्री दी हुई है, जबकि टी की वैल्यू क्या है, फाइव, ठीक है। सिंपली आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको डीएस की जगह एस प्लस वन लगाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, एस प्लस वन स्क्वायर रूट वन अपॉइंट टू है, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉइंट टू डीएस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या होने जा रहा है, यहाँ पर आपके पास सी डी टी प्लस वन और हाफ हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। सिंपली अब आप जरा देखो कि आपको आपके पास क्या बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ पर तो मौजूद है, यस और नो? सिंपली यहाँ पर काम क्या करना है, यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला क्विकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू में प्लस वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट यहाँ पर ये यह हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू और स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, वन अपॉइंट टू का स्क्वायर रूट कर दो, वन अपॉइंट थ्री, और यहाँ पर क्या होने जा रहा है, थ्री टी प्लस वन, वन अपॉइंट टू प्लस वन, ठीक है, अब डेरिवेटिव मौजूद है तो वन अपॉइंट टू प्लस वन, थ्री अपॉइंट टू, यहाँ पर थ्री अपॉइंट टू प्लस का सी हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, थ्री अपॉइंट टू है, टू अपॉइंट थ्री होना चाहिए, देखो ये थ्री क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नाइन हो जाएगा, थ्री टी प्लस वन, थ्री अपॉन टू प्लस का सी, नेम इट इक्वेशन ए, क्लियर है? सिंपली आप क्या कर लो, वैल्यूज पुट करो और आंसर फाइंड आउट कर लो। मेरे पास एस की वैल्यू थ्री है,
टी की वैल्यू 5 है, इसको इक्वेशन ए में करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एस की वैल्यू 3 है, 3 + 1 2 अपॉन 9, आगे बस टी की वैल्यू 5 है, 5 3 से क्या हो जाएगा 15, 15 + 1 16। देखो 16 होना है ना, इस 16 को देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को जल्दी करूंगा, 16 को मैं 4 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यही हम कर रहे हैं ना इतने इस क्वेश्चन के अंदर, हम यही तो कर रहे हैं, तो कोई नया काम तो नहीं कर रहा कि मैं इसको अलग से करके दिखाऊं। 4 स्क्वायर हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया, प्लस का सी आ गया, आपको नजर आ रहा है यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकला 2 अपॉन 9, 4 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, प्लस सी हो गया, ये क्या हो गया 4 2 अपॉन 9, 4 4 4 16, 16 4 16 2, क्लियर हो रहा है, यस और नो। अब सिंपल एक काम ये करना है, 4 अपनी जगह 64, 2 क्या हो जाता है 2 4 8, 2 6 12, तो 128 अपॉन 9 प्लस का सी हो गया। आपने सिंपल काम क्या करना है, 128 वहां जाके माइनस का, और सी की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, सी की वैल्यू आपके पास आ गई -92 अपॉन 9, सही है, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकाल लो, -92 अपॉन 9 आ गई। एक काम लास्ट क्या करना है मुझे, सिंपली इक्वेशन ए के अंदर अब पुट करना है, इक्वेशन ए मेरे पास क्या थी, इक्वेशन ए थी मेरे पास 2 स्क्वायर रूट s + 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 9, 3t + 1 3 अपॉन 2 और -92 अपॉन 9 जो कि c की वैल्यू है। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा यहां पर नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे।